घर में लड़ाई होना, लोग बीमार पड़ रहे हैं, हमेशा घर में क्लेश होना, लोगों का गुस्सा होना, लोगों का बीमार पड़ना, तो ये सारे संकेत होते हैं निगेटिव एनर्जी के। तो इसको दूर करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं। उसके लिए आपको लेने होंगे 3 पत्ते नीम के। कौन से? नीम के 3 पत्ते ले लेना है ना। ले लिया, लेने के बाद में जरूरत होगी लौंग की। अब नवरात्रि का दिन है तो लौंग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कितने लौंग लोगे? 2 जोड़े। एक जोड़े में 2 लौंग होता है तो 2 जोड़े में कितने लौंग होंगे? 4 लौंग। आपको 4 लौंग लेने, सभी के सभी लौंग में फूल लगा होना चाहिए, किसी का फूल टूटा हुआ ना हो, ठीक है। 4 लौंग लेंगे। फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरो, इसके अंदर जो मैंने आपको 3 नीम का पत्ता दिखाया उसको डालना, जो मैंने आपको 4 लौंग दिखाए उसको डालना, ठीक है। डाल दिया, आप इस कलश को उठाना, और उठाने के बाद में जिस इंसान को कष्ट बहुत ज्यादा है, जो इंसान बीमार रहता है, जो इंसान परेशान रहता है, जिसको बहुत दिक्कतें हैं, नजर टोने टोट के हाय की, उस इंसान को उस कलश को एक बार टच करा देना, स्पर्श करा देना, ठीक है। स्पर्श करा दिया, स्पर्श कराने के बाद में इसी कलश को लेकर के उसी नीम पेड़ के नीचे जाएंगे जिसके पत्ते आपने लिए हैं, और उसको आपको जल को पूरा का पूरा नीम पेड़ की जड़ में समर्पित करना, ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको टाइम मिल जाता है, इस उपाय को पूरी नवरात्रि के दिन में किसी भी एक दिन आप कर लेना, ठीक है। जब आप जल को पूरा समर्पित कर दोगे लौंग और नीम के पत्तों के साथ में, तो यहाँ पे इसी नीम के पेड़ की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी उठा लेना, और उसको लेकर के चले जाएंगे आप अपने घर पे। और जो इंसान परेशान है, पहले तो उस इंसान को उसकी एक छोटी सी बिंदी लगाएंगे नीम पेड़ की जड़ की मिट्टी की, और बाकी की जो मिट्टी होगी थोड़ा थोड़ा करके अपने घर के हर कोने में डाल देना। इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, वो आपके घर से बाहर जरूर चली जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर सभी लोग। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली, जो कि रामनवमी के अवसर पे हम सभी को जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है गुड़ के टुकड़े के साथ। आप कहोगे भैया गुड़ के टुकड़े के साथ उपाय करेंगे तो इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा? इसका एक ही फायदा है, और वो फायदा है मनोकामना पूर्ति। बहुत उपाय कर लिया, बहुत आराधना कर ली, बहुत ज्यादा सब कुछ करके देख लिया, फिर भी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो आपको लेने होंगे गुड़ के 7 टुकड़े। गिन करके कितने टुकड़े लोगे? 7 टुकड़े। अब इतने बड़े बड़े मत लेना जितने मैं दिखा रहा हूं, वो तो मैं वीडियो बनाने के लिए आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए दिखा रहा हूं। आपको बहुत छोटे छोटे टुकड़े लेने होंगे, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े लेंगे नीम, हाँ, गुड़ के टुकड़े के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, है ना। एक बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको एक कमलगट्टा भी लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कमलगट्टे को लेंगे। अब जो बताऊंगा वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, लेकिन ये कटोरी आपके घर की नहीं होनी चाहिए, आपको मार्केट से खरीद करके लेके आनी है, 10 रुपए की बहुत ही छोटी सी कटोरी, बहुत हल्की सी लेकर के आना, बहुत भारी सी आने की जरूरत नहीं है, हल्की सी 10-12 रुपए की कटोरी लेना। उस कटोरी के अंदर पहले तो आप उस एक बेलपत्र को रख देंगे, ठीक है। इसी बेलपत्र के ऊपर उन 7 गुड़ के टुकड़ों को रखेंगे और एक कमलगट्टे को रखेंगे। इस कटोरी को लेकर के जितने भी रूम होंगे आपके घर में, जितने भी कमरे होंगे, पूरे घर में एक बार लेकर के इसको घूम लेना। घूमने के बाद में इस कटोरी को लेकर चले जाएंगे किसी भी देवता के पास में, चाहे अपने घर पे करना चाहो घर पे करो, मंदिर में करना चाहो मंदिर में करो, ठीक है। देवता के पास जाएंगे और उन्हीं देवता के मंदिर में पहले तो कोशिश करिएगा उस कटोरी को वहां पे रखेंगे, और रखने के बाद में अपनी मनोकामना, जो भी आपके विशेष हो, जो भी आपकी इच्छाएं हो, बहुत दिनों से अधूरी चल रही हैं, उस इच्छा की कामना करके उस कटोरी को पूरा का पूरा वहीं पे छोड़ करके आपको चले आना है। कटोरी में से कोई सामान नहीं लेना है, ना ही कटोरी को वापस लाना है, उस कटोरी को वहीं पे छोड़ करके और अपने घर की तरफ चले आना है। इस उपाय को भी करने का कोई टाइम नहीं है, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। करिएगा सभी लोग जरूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी लोगों को करना है, किससे? आम के पत्ते से। अब आम के पत्ते का उपाय नवरात्रि के दिनों में बहुत शुभ माना जाता है। कहोगे भैया इस उपाय को हम करेंगे तो इसकी बेनिफिट क्या होगी, फायदे क्या होंगे? देखो इसको अगर आपने कर लिया
तो अगर आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हो ना, मतलब हमेशा आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, हमेशा आपको दवा खाने की जरूरत पड़ती है, या फिर आपका जो दिमाग है ना वो शांत नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है, चाहे वो गलत दिशा में हो या फिर दिमाग शांत नहीं रहता, डिप्रेशन में बहुत रहते हो, तो आपको क्या करना है, मात्र एक आम का पत्ता लेना, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आम का पत्ता लेना, ठीक है। ले लिया, अब आपके यहाँ कल नवमी का दिन है तो हवन तो होगा ही होगा, चाहे आप हवन खुद करो या फिर किसी पंडित जी को, किसी ब्राह्मण देवता को बुला के हवन करो। जब कभी भी नवमी के दिन पे आपके घर में हवन हो, एक आम का पत्ता लो, जब ये हवन जल ही रही हो, एकदम बुझ ना गई हो, जल ही रही हो हवन को, उसके अंदर उस आम के पत्ते को हल्का सा डाल करके उसकी लकड़ी पे, और उसके बाद में आम के पत्ते को उठा लेना, ठीक है। जो आम के पत्ते के ऊपर हल्का हल्का ब्लैक कलर का राख लग जाएगा, उसी राख को थोड़ा 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 करके जितने भी फैमिली मेंबर हो आपके घर में, सभी लोग अगर लगा लेते हैं, तो जितने भी वजह से आपका जो दिमाग है डिप्रेशन में जा रहा है, सोचते बहुत ज्यादा हो, ऊट पटांग तरीके से हरकतें करते हो, या फिर दिमाग में गंदे विचार आते हैं, वो सारे विचार खत्म होंगे। और अगर आप जिस भी कारण से बीमार होते हो, आपको मेडिसिन असर नहीं करती, दवा असर नहीं करती, तो दवा भी आपको धीरे धीरे करके असर करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सभी लोगों को इस उपाय को करना है, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रह रहे, साथ ही साथ आप भी अपने, ठीक है, करिएगा। तीन उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और अपने सबसे छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है हरी चूड़ियों से। लेकिन अब ये हरी चूड़ियों का उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, वो सब कुछ आपको तब बताऊंगा जब आप कर दोगे वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को आखिर हम करेंगे कैसे। देखो यहाँ पे आपको दो से तीन चीजों को दिखाने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आपको हरी चूड़ियां दिख रही हैं। देखो जब भी बुधवार का दिन आता है तो हरी चूड़ियों का उपाय हमें जरूर करना चाहिए, और ये बुधवार कौन सा आया है, नौमी तिथि का, तो आपको लेना होगा एक डिब्बी हरी चूड़ी। कोई बहुत डिजाइन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 20-25 रुपए में जो भी एक डिब्बी मिल जाए हरी चूड़ी वो ले लेना। हरी चूड़ियों को लेने के बाद में आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, सिर्फ एक बेलपत्र लेंगे, और बेलपत्र के बाद में तीन दूर्वा लेना, ठीक है। क्या करना होगा, इस एक बेलपत्र को और इस तीन दूर्वा को, जो आपने कांच की चूड़ियां ली है, उस कांच की चूड़ियों के अंदर उस एक बेलपत्र को रख देना और इस तीन दूर्वा को भी रख देना, ठीक है, रख देना। और रखने के बाद में आप चले जाएंगे किसी भी नीम पेड़ के नीचे या फिर किसी भी देवता के मंदिर में, दोनों में से कहीं भी जाकर के उसको आपको नीचे रख करके, उनके पास में करके, चाहे नीम पेड़ के नीचे या फिर किसी भी देवता के सामने रख करके, अपने परिवार की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए कामना कर लेंगे, विनती कर लेंगे, ठीक है। विनती करने के बाद में, प्रार्थना करने के बाद में, फिर उस आपको जो आपने चूड़ी रखी हुई है उसको पूरी की पूरी डिब्बी को उठाना और किसी भी देवता, किसी भी ब्राह्मण देवता के पास जाएंगे, किसी भी पंडित जी को ले जाकर के उसका दान